तीन दो जोड़ के देखो पूरे दस है अंकों का खेल यहाँ खेलना चाहे आए यहाँ तीन दो पाँच पाँच तीन दो जोड़ के देखो पूरे दस है अंकों का खेल यहाँ खेलना चाहे आए यहाँ जाती हूँ तीन चार पाँच के झगड़ों से मैं ऊब जाती हूँ कभी इकाई कभी दहाई कभी हंसी है कभी रुलाई अंकों की इस भीड़ में मैं घबरा सी जाती हूँ तीन चार पाँच के झगड़ों से मैं ऊब जाती हूँ। अच्छा इसीलिए भागे। सूरज है कितने चंदा है कितने तारे गगन में कितने सारे बताओ। सूरज है कितने चंदा है कितने तारे गगन में कितने सारे। सूरज है एक चंदा भी एक तारे गगन में बहुत है सारे। अच्छा तो तुम गणित के डर से कक्षा से भाग गई। हाँ मुझे तो घूमना फिरना चिड़ियों की बोली सुनना अच्छा लगता है और फिर मैं बकरियाँ भी तो चराती हूँ। अच्छा तो तुम बकरियाँ भी चराती हो। लेकिन एक बात बताओ अगर तुम्हारी कोई इनमें से एक बकरी खो जाए तो? खोएंगे कैसे मुझे तो गिनती आती है पूरे 1 से 100 तक और फिर ये पालतू भी तो है। अब गिन के बताओ कुल कितनी बकरियाँ हैं? बकरियाँ। अच्छा अब ये बताओ कि कितनी चितकबरी हैं और कितनी सफेद? एक दो दो चितकबरी एक दो तीन और तीन सफेद। अच्छा इधर आओ। तीन सफेद और दो चितकबरी बताओ तो कुल कितनी हुई? देखा तुम्हें गिनती आती है जोड़ नहीं आता। मैं बताती हूँ देखो मैं कैसे करती हूँ। ये रही सफेद बकरियां तीन और चितकबरी दो। ये लगाया जोड़ का निशान ये डंडिया खींची एक दो तीन और चितकबरी बकरियां एक दो। अब जरा इन्हें गिन के बताओ। एक दो तीन चार पाँच तीन में दो जुड़े तो बन गए पाँच। तीन सफेद और दो चितकबरी बकरियां मिलके हुई कुल पाँच बकरियां। नाग भी एक मुंह भी एक। हाँ नाग भी एक मुंह भी एक पर बाल बहुत सारे। बहुत अच्छे मुनिया ने बिल्कुल सही बताया। अब जरा अपनी आँख गिन के बताओ। एक ये वाली आँख और एक ये वाली आँख एक एक के बाद वाली संख्या दो। एक में एक जुड़े तो बन गए दो। अब तुम इसे स्लेट पे करके दिखाओ।
एक एक, ये लगाया जोड़ का निशान। एक में एक जुड़े तो बन गए दो। शाबाश। आँख भी दो, कान भी दो, हाथ और पैर दोनों दो। अच्छा बताओ मेरे इस हाथ में कितनी उंगलियां हैं? एक दो तीन चार पाँच। और इस हाथ में? एक दो तीन चार पाँच। अब बताओ पाँच में पाँच जुड़े तो कितने हुए? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। हाँ अब मैं तुम्हें जोड़ का एक नया तरीका बताऊंगी। इस पाँच को रखा अपने दिमाग में और इस पाँच को रखा अपनी जेब में। फिर जेब वाला पाँच बाहर निकाल कर दिमाग वाले पाँच के बाद से गिनती गिननी शुरू की। छः सात आठ नौ और दस। अब तुम इसे स्लेट पे करके दिखाओ। एक हाथ में पांच उंगलियां और दूसरे हाथ में पांच उंगलियां, लगाया जोड़ का निशान। पहले पांच को रखा दिमाग में, दूसरे वाले पांच को रखा जेब में। अब जेब वाले पांच को बाहर निकाला और दिमाग वाले पांच के बाद से गिनती शुरू की। छः सात आठ नौ दस, कुल दस। पाँच में पाँच जुड़ी हो गई दस। पाँच में पाँच जुड़े तो बन गए दस। गिनो इस चित्र में कितनी चिड़िया हैं? एक दो तीन चार पाँच छः, छः चिड़िया। अब फिर देखो इसमें दो चिड़िया उड़कर और आ गई। अब कितनी चिड़िया हुई? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ चिड़िया। छः में दो जुड़ी बन गई आठ। मुनिया आओ चलें। दीदी नमस्ते। नमस्ते, आओ बैठो मुनिया। दीदी ये क्या बना रही हो? मुनिया मैं पुराने कपड़ों को जोड़कर बिछौना बना रही हूँ। देखा मुनिया, दीदी ने कितना सुंदर बिछौना तैयार किया है इन पुराने कपड़ों को जोड़कर। अब बताओ इसमें छींट के कितने जोड़ हैं? एक दो तीन चार, चार छींटर। हाँ और सादे? एक दो तीन चार पाँच, पाँच सादे। हाँ अब इन्हें जोड़ कर दिखाओ। चार छींट वाले जोड़ और पाँच सादे जोड़, ये रहा जोड़ का निशान। अब बताओ कुल कितने हुए? पहले चार को रखा दिमाग में, अब पांच को रखा जेब में। अब जेब वाले पांच को बाहर निकाला और दिमाग वाले चार के बाद से गिनती शुरू की। पांच छः सात आठ नौ, कुल नौ। चार में पांच जुड़े तो बन गए नौ। दीदी तुम एक बात सुनो, मेरी भी एक बात सुनो। कपड़ों की कतरन सीकर जीजी ने बिछौना सिला। जोड़ जोड़ कर टुकड़ों को इसको मैंने पूरा गिना। चलो मुनिया अब हम लोग चलते हैं। दीदी नमस्ते। नमस्ते मुनिया, अब फिर आना। तीन दो पाँच, पाँच तीन दो, जोड़ के देखो कितने सब।
का उत्तर दस, तीन दो पाँच, पाँच तीन दो, जोड़ा मैंने पूरे दस।